भाई, इतनी भीड़ क्यों है वहाँ पे? हम लोग चल के देखते हैं कि क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है वहाँ पे लेखराज मार्केट। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं लेखराज मार्केट में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, लेखराज मार्केट जो कि लखनऊ में पड़ता है और राजू वेज कबाब पराठे के बगल में जो भीड़ लगी हुई है। चलिए चलते हैं, देखते हैं वो क्या बना रहे हैं। देखिए, चाट बना रहे हैं। जैसा कि हमने दिखाया कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ था और अभी भी लगा हुआ है, कुछ लोगों को देते हैं। यहाँ पर काफ़ी फेमस ये हैं यहाँ के लखनऊ लेखराज मार्केट में। और हम किसी के रिकमेंडेशन से हैं, जैसा कि मैंने मटर के छोले डाल चुके हैं और हरी मिर्च, धनिया, नमक और ये अपने स्पेशल मसाले डाल रहे हैं और ये लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और ये जो डाल रहे हैं इसको, ये खटाई है, इमली की खटाई, आम की कूट की खटाई है। अब इसको मिक्स कर रहे हैं जी। इसको कचौड़ी चाट बोलते हैं जो ये दे रहे हैं। आप चाहे तो अलग से कचौड़ी में भी ले सकते हैं और इस चाट में भी कचौड़ी तोड़वा के ले सकते हैं। नज़दीक से देख लीजिए कितना क्वांटिटी में बनाए हुए हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाते हैं, साथ उनका ये तरीका है कि टेस्ट नहीं है। आप देखिए कचौड़ी में कैसे कर रहे हैं। इस ये कचौड़ी चाट है, अलग से भी आप कचौड़ी में ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये देखिए अलग से कचौड़ी में ले रहे हैं कि किसी दूसरे का है। अभी हम भी लेके आपको इसका टेस्ट बताएंगे कि भाई कितना फेमस है, क्या उस फेमस जितने फेमस है क्या उसके अनुसार यहाँ का टेस्ट वैसा है या मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा नहीं है, कैसा है हम टेस्टिंग करके बनाते हैं। अभी देखिए वो एक प्लेट खत्म हो गया था, पूरे बाबू ने जो बनाए थे खटाई भी खत्म हो गई थी डालते हैं। अभी जो बनाए इसमें जो है अपना कचौड़ी तोड़े हुए हैं, जिससे प्रोसेस था जिसमें कचौड़ी अलग से तोड़ कर डाला गया है। अब हम अपने प्लेटिंग को लगवा रहे हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। हम दो प्लेट इसलिए ले रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं किसी के रिकमेंडेशन से यहाँ पे आया हूँ और आपको खा के बताता हूँ ये कैसा लग रहा है। तो भीड़ आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर खटाई अपने अनुसार दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ एक्सप्रेस। तो हम आ गए हैं लखनऊ में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लखनऊ में हम लोग हैं लेखराज मार्केट में। लेखराज मार्केट में हैं और ये चाट है, ये नॉर्मल चाट नहीं है, ये जो है कि गुप्ता जी की खस्ते कचौड़ी वाली चाट बोल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पे दिखा सकते हैं गुप्ता जी का, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है और उधर गुप्ता जी जो है कि एकदम देने में लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ था दरअसल लखनऊ में कुछ करने के लिए, तो देखा गुप्ता जी के यहाँ काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, तो हमने कहा कि खा के बताते हैं कैसा लगता है। जो लोग लेखराज मार्केट में के हैं या लखनऊ के हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं और खा के टेस्ट हमको कमेंट करें। काफ़ी यूनिक स्वाद है, आजमगढ़ में ऐसा चाट नहीं मिलता है। ऊपर से सब मसाले डाले गए हैं, मसाले की फ्लेवर आ रहे हैं। जिस हिसाब से भीड़ लगी हमको तो बहुत वाव तो नहीं लगा, बट यह कि एवरेज टेस्ट है एक। तो फ्रेंड्स, लखनऊ की भी कुछ खा के हम लोग बता दें, बहुत तारीफ सुने थे, तो वीडियो को शेयर करिए और लेखराज वाले कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा इनका लगता है ये चाट खस्ता का। मैं जैसा कि बता रहा हूँ ये चाट खा रहा हूँ और मैं यहाँ पर अकेले नहीं हूँ, मुझको लेकर आए हैं ये मेरे भाई, मेरे मित्र जितेंद्र जी, मेरी जान। और यही कहें कि गुप्ता जी की चाट बहुत अच्छी लगती है, तो इनके रिकमेंडेशन से हम आए हैं। हमको तो बहुत वाव तो नहीं लगा, बस ठीक है। आप खा के बताइए, मेरी बिना दही की थी, इनकी दही वाली है, हो सकता है कुछ अंतर हो। क्या हुआ? बहुत बढ़िया है। तो चलिए भाई, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।